हेलो गेमर्स, माय नेम इज अबु। वेलकम बैक टू अदर न्यू एपिसोड ऑफ प्लैनेट जू। इन द लास्ट वीडियो गेमर्स, आप सभी को याद होगा हम लोग हमारे जू के अंदर जीब्रा को लेके आए थे, और उसी के साथ साथ हमारे अभी जू में बफेलो भी है एंड वो वॉर्थ डॉग जो होता है वो भी। काफी सारे एनिमल्स अभी हमारे जू के अंदर आ चुके हैं। ओ वेट, यहाँ पे ये क्या चीज है? नायो नाम का एक वॉर्थ डॉग ने आई थिंक बच्चा पैदा करा है। अच्छी बात है भाई, जल्दी से जल्दी बहुत सारे बच्चे पैदा करो, क्योंकि मुझे आज के एपिसोड में एक लायन को लेके आना है। फैसिलिटी हैविंग नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन गेस्ट, कहाँ पे भाई, कौन से फैसिलिटी का? ओ इसका, अरे भाई ये इधर जनरेटर जो मैंने रखा है इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, और वैसे भी देखो इससे धुआं निकलना तो शुरू हो गया। दैट्स व्हाई मुझे जनरेटर बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ठीक है, तो ये जनरेटर को इधर शिफ्ट करते हैं, ये जगह पे लायन सर्च करना पड़ेगा। हमारे पास यहाँ पे वेस्ट अफ्रीकन लायंस है। आई होप ये मुझे कुछ कंजर्वेशन क्रेडिट्स में मिल जाए, बट बहुत महंगे। ओके सेकेंड, ये वाला 880 में मिल रहा है, तो एक काम करते हैं यहाँ पे इसके हिसाब से करते हैं, कम पैसों में जो मिलेगा। कैश में तो कोई नहीं होगा डेफिनेटली, नॉन एक भी नहीं है, कैश में मुझे एक भी लाइन नहीं मिलेगा। तो मुझे कम से कम मुझे 800 क्रेडिट्स तो चाहिए होंगे। तो ये 880 में मुझे मिल रहा है लायन, और कौन से एक बार देखते हैं। मेरे पास वैसे 664 क्रेडिट्स है, तो एक बार देखते हैं। ओ ये 500 में मिल रहा है, ओ मैं इसको बाय कर सकता हूँ, आई मीन अडोप्ट कर सकता हूँ, कर लूँ क्या? कर लेते गाइज, अभी अडोप्ट करते हैं, तो बाद में ना यहाँ पे बस 7 मिनट्स है मेरे पास, तो अडोप्ट कर लेते हैं। लेट्स गो, फाइनली अभी हमारे जू में लायंस आने वाले हैं। एक को अडॉप्ट कर लिया, वैसे मेल है, और अभी मुझे एक फीमेल भी चाहिए होंगी। वैसे ये फीमेल है, अभी काम करते इसको शॉर्ट बाय फीमेल करते हैं, तो सारी फीमेल्स आ जाएंगी। प्लीज़ कम पैसों में मिलनी चाहिए, कम क्रेडिट्स में। ओ ये मिल रही है, हाँ 424 में, और मेरे पास भाई 99 बचे, तो काम करते भी थोड़े से मैं ना एनिमल्स को रिलीज टू वाइल्ड कर देता हूँ, दिन हमारे पास थोड़े से और क्रेडिट्स हो जाएंगे। एंड वैसे मुझे एनिमल्स से याद आया गाइज, अभी आप देख सकते हो ये वाले ब्रिज पे कितनी ज़्यादा भीड़ लगी है, और ये सारी जो भीड़ है वो इस पिकॉक की वजह से लग रही है। तो आज के एपिसोड में ये जो पिकॉक का हैबिटेट है वो इसको मैं यहाँ से हटाने वाला हूँ, एंड यहाँ पे मैं मतलब बाद में कुछ और बनाने की कोशिश करूँगा। बट अभी क्या हो रहा है कि सारे के सारे जो लोग हैं, देखो वो इधर के लोग इन्हीं को देख रहे हैं, और ये लोग ना इधर से उसको देख रहे, तो दैट्स व्हाई यहाँ पे ना बहुत भीड़ हो रही है इस ब्रिज पे। सो दैट्स व्हाई आज वाला हैबिटेट डिलीट होगा। तो उसको डिलीट करने से पहले एक बार देखते हैं यहाँ पे कितने पिकॉक्स हैं जिनको मैं रिलीज टू वाइल कर सकता हूँ। तो उनको रिलीज टू वाइल करने के लिए मुझे आई थिंक यहाँ पे आना पड़ेगा एनिमल्स में, सारे पिकॉक्स को एक बार कलेक्ट करके आई मीन सेलेक्ट करते, और देखते हैं इनमें से रिलीज टू वाइल कितने होंगे। बहुत सारे पिकॉक्स हैं मेरे पास, बट इससे ज़्यादा क्रेडिट्स भी नहीं मिलते यार, 70-80 मिलते, ज़्यादा भी नहीं मिलते। सारे पिकॉक्स को मैंने सिलेक्ट कर लिया है, और अभी यहाँ से रिलीज टू वाइल्ड करते हैं, अभी देखते हैं कितने रिलीज टू वाइल्ड होंगे। आई डोंट हैव एनी आइडिया, बस 39, आर यू सीरियस? कुछ ठीक है, कुछ पिकॉक यहाँ से आई थिंक चले जाएंगे, और जो बाकी के पिकॉक्स हैं मुझे उनको अभी कुछ देखना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मुझे थोड़े से कंजर्वेशन क्रेडिट चाहिए। एक बार अपने पेंगुइन्स को देखते हैं, मेरे पास पेंगुइन्स भी काफ़ी सारे हैं, तो पेंगुइन्स को भी आई थिंक मैं रिलीज टू वाइल्ड कर सकता हूँ, तो यही से करना पड़ेगा मुझे। 500 तो मिलने चाहिए, 683 ओके, बट इनमें से कितने होंगे रिलीज वाइल? अगर सारे नहीं करने मुझे, अगर सारे हो गए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। नहीं, मेरे से एक फीमेल तो चाहिए मुझे, और एक मेल भी चाहिए। हाँ अभी ठीक है, इतने मेरे को दे दो। 613 क्रेडिट्स आ गए, इसका भी देखते हैं। यहाँ पे 3 साल की है और ये 5 साल की है, तो या अडल्ट को ही लेते हैं, ये अभी तो यंग अडल्ट है, ये पूरी अडल्ट है या, तो इसको अडॉप्ट करते हैं। फाइनली अभी मेरे जूम में लायंस को हमने अडॉप्ट कर लिया है, और अभी हम यहाँ पे उनका प्यारा सा एक हैबिटेट बनाएंगे। लेकिन हैबिटेट को बनाने से पहले मुझे बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे पास अभी $24,000 ही बचा है। तो अभी देखते हैं एक बार अपने गेम को ऑन करके, क्या मैं कुछ एनिमल्स को अभी बेच सकता हूँ यहाँ से। तो बेचने के लिए मैं सोच रहा हूँ पिकॉक्स को फिर से एक बार सिलेक्ट करके देखते हैं, जिनको मैं बेच नहीं सकता, आई मीन जिनको हम रिलीज वाइल नहीं कर सकते उनको बेचने की कोशिश करते हैं, थोड़े से पैसे आ जाएंगे। क्विक ट्रेड, लेट्स सी, $6,000 मिल रहे हमको, लेट्स गो, वेरी नाइस। तो मैंने कुछ पिकॉक्स को बेच दिया एंड कुछ सांपों को बेच दिया। लार्ज लायन हैबिटेट, ये $10,000 में बन रहा है, कितना बड़ा है? अरे यार छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, मुझे थोड़ा सा बड़ा चाहिए। ये $2,000 में बन रहा है, अरे ये तो लायंस की केव्स है। देन ये $28,000 में, ओ ये पैंडा के लिए है, भाई भाई का बढ़िया हैबिटेट है, तो आई थिंक मुझे ये भी बनाना चाहिए। पहला हमारा पैंडा कैबिटेट ये वाला ना, बहुत छोटा है, अगर ये बनाते हो तो भाई मज़ा ही आ जाएगा। तो मुझे आई थिंक एक और पैंडा कैबिटेट बनाना चाहिए, बट अब वो बाद में देखेंगे। अभी मुझे लायन क्या चाहिए, लायन का कहाँ पे बनेगा? लार्ज लायन हैबिटेट वही 43,000, हाँ ये आई थिंक बना दिया तो चलेगा। 43,000 में बनेगा क्या? नहीं बनेगा, बट इसके लिए $43,000 चाहिए। तो ये लार्ज लायन हैबिटेट आई थिंक ये गाइस बढ़िया रहेगा, तो एक काम करते हैं ये वाला हैबिटेट बनाते हैं, बट उसके लिए मुझे पैसे नहीं है, तो थोड़ा सा लोन लेते हैं फिर, आई नीड टू टेक सम लोन्स। तो फाइनेंसिस में आके थोड़ा सा यहाँ से गाइस,
टेक अ लोन, लोन ले लिया मैंने, $74,000 मेरे पास आ गए, और ये मेरे पास पैसे इतने कम क्यों हो रहे हैं, मुझे उसका रीज़न देखना पड़ेगा। मे बी फाइनेंसिस में मुझे पता चल जाएगा कि हम खर्चा किधर कर रहे हैं। तो अभी हमारा -$16,000 में कैसे हमारा बिजनेस चल रहा है, तो सबसे ज़्यादा पैसे हम किसके ऊपर खर्च कर रहे हैं। इनकम हमारा $75,000 का है, बट आउटगोइंग एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है। जो स्टाफ वेजेस के ऊपर सबसे ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं, देन मार्केटिंग के ऊपर। एक काम करते हैं, हमारा मार्केटिंग कैंपिंग को ना मैं अभी थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर देता हूँ, क्योंकि उसके ऊपर भी काफ़ी सारे पैसे स्पेंड हो रहे हैं। और फिर कहाँ पे पैसे, एनिमल फूड तो वो तो बनता है, हमको करना ही चाहिए। ये भी वर्क जोन के अंदर नहीं है, ये भी वर्क जोन के अंदर नहीं है। तो मैंने बहुत सारे लोगों को अभी फायर कर दिया है, तो अभी आई थिंक इससे हमारा पैसा थोड़ा सा तो एटलीस्ट बच जाएगा। जो लोग काम नहीं कर रहे थे उनको फायर कर दिया मैंने। और अभी देखते हैं हम यहाँ पे लायन का हैबिटेट बना सकते हैं क्या। वैसे अभी बना पाएंगे, नो प्रॉब्लम। वैसे ये भी बन रहा है, बट ये उतना एक्साइटिंग नहीं है। ये वाला बना के देखते हैं कहाँ पे गया वो, कहाँ पे गया भाई, कौन सा था वो, 43,000 में जो बन रहा है हमको ये वाला हैबिटेट इधर बनाने का है। तो लायंस के लिए इधर भी गाइस जगह ऐसे बढ़िया है, क्यों ना इधर ही बना दे फिर। इधर के लोग यू नो इधर यहाँ पे इजीली आ सकते हैं। वैसे भी यहाँ पे एकदम प्यारी जगह, आई थिंक हमारे जस्ट जू के पास में रहेगा ये। लेट्स गो, बना दिया। अभी क्या हो गया ये जमीन के ऊपर, अरे ये ऊपर बन गया थोड़ा सा, बट इट्स ऑल राइट, आई थिंक ये ऊपर ही है। तो ठीक है, लायन का जो हैबिटेट है वो यहाँ पे बन चुका है, बट अभी मुझे देखना पड़ेगा यहाँ पे लायन कैसे आएगा। और यहाँ पे पानी वगैरह आई थिंक सारी चीज़ें ऑलरेडी है। तो ठीक है गाइज, हमने यहाँ पे भी लायन का हैबिटेट बना दिया है, एंड आई होप इट्स लुकिंग गुड। यहाँ पे लायंस वगैरह भी खुशी से रह पाएंगे, और यहाँ पे ग्लासेस वगैरह भी है, तो लोग इसको यू नो साइड से भी देख पाएंगे। लायन का हैबिटेट हमने अभी यहाँ पे बना दिया है, और अभी बस मुझे इसको कनेक्ट करना पड़ेगा हमारे स्टाफ के पाथ से। और स्टाफ का पाथ इधर से बनाते, इसको एकदम साइड से लेके आते, काम करते इधर से, ऐसा आएगा ये वर्क जोन अफ्रीकन विलेज एडिट वर्क जोन। तो या ये वाला जो हैबिटेट है लायन का वो अफ्रीकन विलेज के अंदर आएगा, तो इसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया अफ्रीकन विलेज के अंदर। और अभी बस मुझे यहाँ पे एनिमल्स को डिलीवर करना पड़ेगा, तो ये आते हैं एनिमल स्टोरेज में, और ये दो लायंस आ गए, सिलेक्ट करते हैं इनको, सेंड टू जू, और उनको उनके नए घर के अंदर हम भेज देंगे जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे उनकी डिलीवरी शेड्यूल हो चुकी है, तो अभी ये दो लायंस यहाँ पे आ जाएंगे, गेम को नॉर्मली ऑन करते। और यहाँ पे मुझे पानी वगैरह ऐड करने की ज़रूरत आई थिंक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सारी चीज़ें दी गई है, और ये वन ऑफ द आई थिंक बेस्ट हैबिटेट है लायंस का। और देखो यहाँ से भी आई थिंक लोग ना जान मतलब जाके इसको देख सकते हैं, नहीं ये लोगों के लिए है ना, हाँ ये लोगों के लिए ही रास्ता है। ओके ओके ओके, तो यहाँ से यू नो लोग बीच में से भी आ पाएंगे। ओ भाई समझ गया मैं, लेट्स गो। और अभी यहाँ पे वापस से सुबह हुई है, तो दिखने में भी हमारा देखो जब सुबह होती है ना, सुबह की किरण जब पड़ती है तो धूप दिखने में भाई बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। रविकार देखते हैं हमारा स्टाफ आ रहा है क्या लायंस को लेके, आ रहा है आ रहा है, देखो देखो वो दौड़ते दौड़ते आ रहा है, दोनों आ गए। तो अभी ये जल्दी से यहाँ पे आ जाएंगे और लायन को छोड़ देंगे, तो लायन उसके नए घर में आ जाएगा, देन हम उनके लिए यहाँ पे एक छोटा सा रोड बनाएंगे अंदर आने के लिए। आ गए हमारी स्टाफ लायन को लेके, और ये लायन उसके जू के अंदर भी आ चुका है। वो क्या लग रहा है, बब्बर शेर ये एक आ गया, और वो फीमेल लायन आ, ये भी आ जाएगी, इसको भी ये लोग यहाँ पे छोड़ देंगे। छोड़ दो भाई जल्दी से, भाई क्या डेंजर लग रहा है ये। और ये फीमेल लायन भी आ चुकी है, तो फाइनली लायन हमारे जू के अंदर आ चुका है। ये इसका कुछ प्यारा सा आपको व्यू यहाँ पे दिखाई देगा, भाई बहुत डरावना एनिमल है। तो ये अब तक का सबसे डेंजरस एनिमल हमारे जू के अंदर आ चुका है, तो उसके लिए हमको यहाँ पे एकदम प्रॉपर सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। और वैसे भी ये लायन का ही हैबिटेट है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें ऑलरेडी हमको दे रखी है, तो अभी बस मुझे यहाँ पे ये जो विविंग पॉइंट्स है इसके अंदर रोड्स को वगैरह लेके आना पड़ेगा एकदम प्यारे से। ये कोई यहाँ पे ये भी है डोनेशन बॉक्सेस वगैरह, तो जहाँ जहाँ पे ये स्पॉट्स है वहाँ से आई थिंक लोग उसको देख पाएंगे। और एक स्पॉट इधर भी है, इसका मतलब यहाँ से भी एक विविंग एरिया रहेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो अभी मुझे यहाँ पे थोड़े से विविंग एरियाज को बनाना पड़ेगा। यहाँ पे बनेगा कि नहीं रोड, वो बनेगा बनेगा बनेगा। तो यहाँ पे इसको ऐसा अंदर लेके जाते हैं, वो ये बन रहा है, वो बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले रोड को ही बनाते हैं ऐसा बाहर जाने के लिए, बन जा मेरे भाई, जस्ट लाइक दिस। ये यहाँ पे कुछ रोड के कनेक्शंस, ये दिखने में कैसा लग रहा है, एक सेकेंड लेट मी चेक, इट्स लुकिंग गुड आई थिंक। या ये रोड तो देखने में से बढ़िया लग रहा है, तो या एकदम फिट हो गया फिट। मुझे लगा कि यहाँ पे रोड फिट नहीं होगा, बट रोड तो फिट हो गया। और वैसे भी मुझे अभी सेम इधर भी करना पड़ेगा इसके अंदर, और ये बन जाएगा फाइनली। देखो मैंने यहाँ पे कनेक्शन कर दिया है, तो अभी यहाँ से लोग इसको इजीली देख पाएंगे, यहाँ पे डोनेशन भी होगा और लोग लायन को भी देख पाएंगे। फाइनली कनेक्शन बन चुका है, और आई थिंक एक पाथ गाइज मुझे ऐसा इधर भी बनाना चाहिए, क्योंकि इसके साइड से भी ना यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। तो एक पाथ आई थिंक मुझे ऐसा इधर भी बनाना चाहिए, तो वो पाथ के लिए ये इधर से नीचे लेके आते हैं। आई थिंक इधर से पाथ ऐसा नीचे आएगा सीढ़ी बन के, ये बीच वाला पार्ट पूरा नॉर्मल ब्लैक रोड बनाते हैं, तो भी लोग यहाँ से ऐसे ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे से भी आ सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है अभी लोगों के पास। यहाँ पे एक डोनेशन बॉक्स रहेगा, देन एक इधर रहेगा,
ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन बॉक्सेस हमको यहाँ पे लगाने पड़ेंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएं। आई थिंक उसी की वजह से मैं कम पैसे यहाँ पे कमा पा रहा हूँ। देखो लाइन वहाँ पे खेल रहा है एंड भाई एग्जैक्टली वो उधर ही जा रहा है जहाँ पे लोग उसको देखेंगे। तो भाई यहाँ पे ना काफ़ी सारा डोनेशन आने वाला है हमको एंड देन उसके बाद एक और डोनेशन बॉक्स इधर रहेगा एंड एक अंदर की तरफ यहाँ पे रहेगा। जहाँ जहाँ से लाइन को देखने की जगह है वहाँ पे डोनेशन बॉक्सेस होने चाहिए और बाकी के जगहों पे तो आई थिंक है। और देखो यहाँ पे लोगों ने आना शुरू कर दिया है। लोगों का हैप्पीनेस लेवल भी गाइस थोड़ा सा कम आ रहा है। इनको प्यास लगी है बहुत ज़्यादा और टॉयलेट भी लगी है और एजुकेशन तो इनको बिल्कुल नहीं है, दैट्स वाई लोग भी नाराज़ है। तो मुझे थोड़ी सी आई थिंक एजुकेटर्स को थोड़ा सा गाइस हायर करना पड़ेगा। तो यहाँ से कुछ एजुकेटर्स को मैं हायर कर लेता हूँ या एक एजुकेटर यहाँ पे आएगा, दो तीन नया दो को हायर करते हैं और अभी आई थिंक मुझे इनको वर्क जोन के अंदर भी ऐड करना होता है। तो कुछ एजुकेटर्स को हायर करते हैं, वो हमारे यू नो जो हमारे जू के अंदर लोग आते हैं उनको एजुकेट करेंगे। तो एक हमारे अफ्रीकन थीम के अंदर रहेगा एंड एक एजुकेटर हमारे अफ्रीकन विलेज के अंदर रहेगा। तो अभी मैंने कुछ एजुकेटर्स को भी हायर कर लिया और अभी यहाँ पे एजुकेशन लोगों का होगा। लोगों को टॉयलेट तो ठीक है यहाँ पे आ रहा है टॉयलेट का सीन, बट लोगों को प्यास बहुत ज़्यादा लगी है। तो प्यास बुझाने के लिए मुझे फैसिलिटीज़ में जाके थोड़े से आई थिंक दुकानें लगानी पड़ेगी गैस फैसिलिटी में। यहाँ पे थर्स्टी है तो थर्स्टी के लिए कुछ है क्या, सोडा शॉप काउंटर, ये आ गया सोडा शॉप काउंटर। तो एक काम करते हैं अगर लोगों को प्यास लगी है तो एक सोडा शॉप काउंटर इधर रहेगा, एक और सोडा शॉप यहाँ पे रहेगा। अभी मैंने दो सोडा शॉप यहाँ पे लगा दिए और अभी मुझे इसके बाद इनको वर्क जोन के अंदर ऐड करना पड़ेगा तभी ये काम करते आई थिंक। तो इसको हम अफ्रीकन विलेज के अंदर ऐड करेंगे ये दो नए सोडा शॉप्स को, एक ये वाला रहेगा एंड ये वाला रहेगा। तो भी मैंने दोनों सोडा शॉप्स को यहाँ पे वर्क जोन के अंदर ऐड कर दिया है एंड मुझे बाकी के भी इधर भी मैंने जो अभी लगाए थे ना सोडा शॉप्स मुझे उनको भी ऐड करना पड़ेगा। तभी मैं सोची ये चीज़ें काम क्यों नहीं कर रही है। तो मुझे अफ्रीकन थीम के अंदर आके इसको ये पावर मशीन को, इधर का ये ATM, इधर का ये मशीन और इसको भी मुझे सोलर शॉप के अंदर ये वाले वर्क जोन के अंदर ऐड करना पड़ेगा। तो भी मैंने इधर की सारी चीज़ें वर्क जोन के अंदर ऐड कर दी है और यहाँ पे भी कुछ बचा है। ओ यहाँ पे भी एक विंड मशीन है। तभी मैं सोचूं भाई यहाँ पे इसको रिपेयर करने के लिए कोई क्यों नहीं आ रहा। एंड नाउ इसके बाद गेमर्स ये जो हमको आ रहा पिकॉक्स का ये जो हैबिटेट है इसको गाइस यहाँ से मैं डिलीट करने वाला हूँ क्योंकि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको जैसे बोला था इनका यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, उनकी ब्रीडिंग भी हो रही है, दैट्स वाई बहुत सारे इशूज़ है। सो दैट्स वाई आज के एपिसोड में ये वाला पिकॉक का हैबिटेट यहाँ से डिलीट होगा। अब एक बार आखिरी बार इनको रिलीज टू वाइल्ड करते तो जितने बड़े पिकॉक्स है वो यहाँ से रिलीज हो जाएंगे एंड बाकी के पिकॉक्स को मैं ट्रेड कर दूंगा या हम उनको कहीं पे रखेंगे। 59 क्रेडिट्स मिल के मुझे थोड़े से बड़े पिकॉक्स यहाँ से रिलीज हो जाएंगे एंड जो बाकी के बचे पिकॉक्स है सेंड टू ट्रेड सेंटर करेंगे। तो सारे पिकॉक्स यहाँ से गायब हो जाएंगे जस्ट लाइक दिस, गायब हो जाओ भाई या सारे पिकॉक्स बॉक्सेस हो गए और यहाँ से सारे चले जाएंगे। एंड नाउ इसके बाद हम ये वाला जो हैबिटेट है वो यहाँ से हमेशा के लिए डिलीट कर पाएंगे। तो इसको एडिट बैरियर करके डिलीट बैरियर करते सेलेक्ट ऑल डिलीट या हैबिटेट को मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया और अभी यहाँ पे जितने भी चीज़ें हैं उनको मुझे एक एक करके यहाँ से हटाना पड़ेगा। और ये सबसे हमारा मेरे से आई थिंक सेकेंड या सबसे पहला हैबिटेट आई थिंक मैंने यही बनाया था अर्धवा के बाद। तो अभी यहाँ से मुझे ट्रीज़ वगैरह इन सारी चीज़ों के यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो जल्दी से इधर की सारी चीज़ें हटा देते हैं और ये पत्थर को वगैरह अभी के लिए मैं ऐसे यहाँ पे रखने की सोच रहा हूँ। हम यहाँ से कोई रेस्टोरेंट वगैरह यहाँ पे वैसे ओपन करेंगे यानी जो बाकी के पत्थर आई थिंक उनको मुझे मैनुअली हटाना पड़ेगा, नो प्रॉब्लम। तो इनको यहाँ से हटा देते हैं और नेक्स्ट वाले एपिसोड में मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट वगैरह ओपन करें क्योंकि हमारे पास इस गेम में रेस्टोरेंट्स मतलब लिटरली वो जो बड़ा वाला होटल होता है उसका भी ऑप्शन है। तो हम उसको यहाँ पे नेक्स्ट वाले एपिसोड में बनाने की कोशिश करेंगे। एंड इधर का जो पानी है उसको भी मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा जस्ट लाइक दिस डी वाटर या रिमूव कर दिया मैंने। एंड नाउ ये वाला एरिया सिर्फ हमको प्लेन करना है जस्ट लाइक दिस। अब ये पूरा प्लेन हो जाएगा और अभी इससे क्या होगा कि हमारे जू में ज़्यादा से ज़्यादा लोग सामने की तरफ जाएंगे मतलब बाकी की भी जगहों को देखेंगे। अभी मतलब प्रॉब्लम ये हो रहा था कि सारे लोग आके बस यहीं पे इन पिकॉक्स को देख रहे थे इसी ब्रिज से। तो अभी यहाँ से लोग आई थिंक सामने की तरफ जाएंगे बाकी के भी एनिमल्स को देखने के लिए हमारे जू में। तो अभी यहाँ पे ज़्यादा मे बी ये नहीं होगा, क्या बोलते हैं उसको, भीड़ नहीं होगी ज़्यादा यहाँ पे। A few moments later. Finally, guys, as you can see, इधर का पूरा जो ट्रैफिक था जो लोगों की भीड़ थी वो यहाँ से पूरी तरीके से हट चुकी है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लोग बस पिकॉक को देखने के लिए यहाँ पे रुक रहे थे इस वाले ब्रिज पे। तो फिर मैंने यहाँ से जैसे इस ब्रिज को यहाँ से हटाया मतलब ये पिकॉक हैबिटेट यहाँ से हटाया तो यहाँ से लोगों की अभी भीड़ कम हो चुकी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमको पिकॉक हैबिटेट एक और दिन बनाना चाहिए क्योंकि पिकॉक की बहुत ज़्यादा डिमांड है हमारे जू में। सो दैट्स वाई नेक्स्ट वाले एपिसोड में मैं एक और पिकॉक का यहाँ पे हैबिटेट बनाना चाहूँगा। लायंस किधर है, हेलो, इधर तो नहीं दिख रहा, आई थिंक उधर ही है, पानी के साथ खेल रहे होंगे आई थिंक वो। वेयर इज लायन, ओ ये रहा लायन, वेरी नाइस। ओ माय गॉड भाई, लायंस ने बच्चे पैदा कर दिए, ये छोटा सा बेबी आ गया, बेबी लायन, वाओ। इसका नाम मासूद है,
और ये इसकी मम्मी है ना, हाँ ये इसकी मम्मी है। कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है हमारा छोटा सा लायन, और ये आई थिंक रोअर कर रहा है अभी, धीरे धीरे ये सीख जाएगा रोअर वगैरह कैसा किया जाता है, और ये उसके माँ बाप दोनों खुश लग रहे हैं। अभी धीरे धीरे हमारे यू नो जूम है, इस तरीके से बहुत सारे लायंस आ जाएंगे और इनको भी हम रिलीज टॉयल करेंगे और बहुत सारे पैसे धीरे धीरे हम लोग कमाने वाले। बट अच्छी बात है अभी एक लायन पे आ गया हमारा जूम है, काफ़ी प्यारा लग रहा है। उन्होंने अभी यहाँ पे थोड़ी सी पॉटी वगैरह करी है, वो साफ करने के कीपर आ जाएगा। वैसे भी हमारी ये फीमेल लायन भूखी है तो इसका यहाँ से ठीक से गाइस न्यूट्रिशन नहीं हो रहा है, वेलफेयर थोड़े से इश्यूज है हैबिटेट के, हैबिटेट के अंदर वेलफेयर इशू। अबे ओके अभी क्लियर हो गया, न्यूट्रिशन का नहीं अभी भी इशू आ रहा है। तो ये हंगरी है, मुझे थोड़ा सा ना यहाँ पे वेट को आई थिंक बुलाना पड़ेगा, तो मैं जल्दी से यहाँ पे एक वेट को असाइन कर देता हूँ। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर टुडेज शाउट आउट। तो आज का जो शाउट आउट है वो हम लायन के बच्चे का नाम चेंज करके उसको यू नो शाउट आउट देंगे आज का सबसे पहला। तो लायन का बच्चा किधर मुझे देखना पड़ेगा, आज का जो शाउट आउट है वो हम इस लायन के छोटे से बेबी का नाम चेंज करके उसको देंगे। तो आज का सबसे पहला शाउट आउट जाता है निशांत को। थैंक यू सो मच निशांत फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, एंड मतलब इसने मेरे को मैसेज करके बोला था कि भाई लायन को लेके आओ, तो इसको हम निशांत बुलाएंगे। फर्स्ट शाउट आउट गोस टू निशांत, कांग्रेचुलेशंस ब्रो। एंड सेकेंड शाउट आउट हम बड़े लायन का नाम चेंज करके इसको देंगे, और सेकेंड शाउट आउट जाता है फरहान अली को, तो इसको हम फरहान बुलाएंगे। तो मैंने आज दो लोगों को शाउट आउट दे दिया, अगर आपको भी शाउट आउट चाहिए नीचे कमेंट करो, तो नेक्स्ट वाले एपिसोड में आपको शाउट आउट मिल जाएगा। एंड फाइनल थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय गेमर्स।